अध्ययन में लगना ही निष्ठा का प्रमाण है। इसमें आप जो निष्ठा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, ये बेसिकली मतलब ये तब होता है या ये इस बात का मतलब वो है कि हमको ये अपने में दिखना, वही तो ये ज्ञान गोचर वाला जो भाग है, यही मेरी आवश्यकता है, है ना? वो वही अध्ययन से ही होगा वो। अभी स्वीकृति तो बात हो गए ना, ज्ञान गोचर भाग हमको समझ में आना चाहिए, ये बात हो गई। ये इसका प्रक्रिया क्या होगी? अध्ययन से अध्ययन के अलावा नहीं होगा। क्या अध्ययन? पूछा, अस्तित्व मूलक मानव के अंतर चिंतन रूप में अध्ययन, वो तीनों भागों में आ चुके हैं। ये अध्ययन यदि पूरा होता है, ज्ञान गोचर वस्तु में हर मानव को हाथ लगती है। बाबा, ये जो सहमति हुई है इतना तक तो है, ठीक है ना? न्याय चाहिए, सुख चाहिए, समाधान चाहिए, ये सब के बारे ये में स्वीकृति तो है ना, सहमति तो पूरी हो गई, सही बात है ना, सहमति पूरी हो गई। अब ये इसके साथ में एक निष्ठा वाला कंपोनेंट को जोड़ना जरूरी है। अगर निष्ठा वाला कंपोनेंट नहीं जुड़ता है तो प्रमाणित होना बनता नहीं है। हाँ, उससे पहले प्रमाणित होने से पहले अध्ययन वाला पक्ष है। प्रमाणित होने के पहले नहीं है, प्रमाणित होने के लिए, प्रमाणित होने के लिए निष्ठा है। हाँ, प्रमाणित होने के लिए निष्ठा है, मतलब जैसा प्रमाणित होने के पहले कहा, उसमें क्या ध्वनित होता है जानते हो? प्रमाणित हो सकते हैं, वहां पहुंच गए। अध्ययन के पहले हम प्रमाणित हो सकते हैं, यहाँ पहुंच गए। एक बार फिर से बोलिए बाबा, थोड़ा छूट गया उसको अच्छी तरह से। तुम समझे के लिए और इसको ठीक से ध्यान दे थोड़ा सा। हाँ, हाँ। तो मैं ये कहा, आपके मुंह से क्या निकल गया? हाँ। प्रमाणित होने की पहले, प्रमाणित होने के पहले, पहले पहले शब्द प्रयोग किया मैं, उसको क्या सुधारा? प्रमाणित होने की पहले नहीं है, प्रमाणित होने के लिए, प्रमाणित होने के लिए, के लिए में, के लिए में क्या हुआ? अध्ययन के बिना प्रमाणित नहीं हो सकते हैं, अध्ययन के बिना प्रमाणित नहीं हो सकते हैं। ये तो प्रमाण के पहले कहने से हम पहले प्रमाणित भी कर सकते हैं, यहाँ पहुंच गए। इतना ही बात, जो होता नहीं। ये भाषा की फलसी समझ में आ गया? प्रमाणित आप हमारे लेवल की बात कर रहे हो, बाकी ऐरा गैरा नथु कल्याणी की बात नहीं कर रहा हूं। आपको एक सेंसिबल आदमी मान करके आपके साथ मैं बात कर रहा हूं, गलत है ये? गलत नहीं ना, ये ठीक है ना? बुद्धिमान विवेक के पक्षधर हैं, सत्य के पक्षधर हैं, समने यथार्थता के पक्षधर हैं, इन सबको मानते हुए आपके साथ मैं बात करता हूं, ठीक है ना? आपके मुखारविंद से ऐसा शब्द निकला, तुरंत तो उसको सुधारा मैंने। हाँ, वो आपने ठीक किया। अरे, उसको अब धन्यवाद प्रस्तुत करो कम से कम, हम तो उत्साहित हो जाऊं। नहीं बाबा, ये बहुत जरूरी है, इसी पक्ष को समझने का प्रयास कर रहे थे। तो ये जो सहमति वाला जो पक्ष है, उसके साथ में प्रमाणित करने के लिए निष्ठा जोड़ा आवश्यक है। निष्ठा आवश्यक है, प्रमाणित। निष्ठा का स्वरूप क्या है? निष्ठा का स्वरूप क्या निश्चित हुआ? इसके लिए निष्ठा क्या होगी? अध्ययन। ये अभी 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 चार बार हुई, क्या सुना? अध्ययन ही एकमात्र रास्ता है। अध्ययन क्या है? अस्तित्व मूलक मानव केंद्र चिंतन, उससे संबंधित प्रबंध। ठीक है, ये बात क्या है? ये एक तो ये हो गया, हमको ज्ञान गोचर विधि से ही हम पूरे सत्य को समझ पाएंगे, है ना? ये तो ये जो इन शरीर के लिए जितना जरूरत है वो बात हमको समझ में आ गया है, जीवन के लिए जरूरत है वो हमको समझ में नहीं आया है। वो जीवन जो है ना, जैसा ज्ञान गोचर है,
जीवन जीवन का ज्ञान गोचर है, जीवन में ही ज्ञान गोचर प्रक्रिया है, जीवन जीवन को पहचानता है और कोई पहचानने वाला नहीं है। क्या सुना? कोई पहचानने वाला जीवन ही जीवन को पहचानता, जीवन को जीवन पहचानता है एक ज्ञान गोचर, जीवन ही सहस्तित्व को पहचानता है एक ज्ञान गोचर, ठीक है ना, जीवन ही उपयोगिता पूरकता को पहचानता है एक ज्ञान गोचर है। और मनुष्य में ज्ञान ज्ञान का स्वरूप को निर्धारित करता है यही ज्ञान गोचर है। कौन करता है निर्धारण? जीवन करता है और शरीर और जीवन के साथ जीता है। क्या सुना? शरीर और जीवन के साथ जीने पर संवेदनाएं शरीर में प्रकट होते हैं, संवेदना को जीवन मान देते हैं। इतनी तो बात, शरीर की संवेदना, शरीर संवेदनाओं को जीवन मान लिया, फलस्वरूप उसको राजी करने के लिए चले गए, उसमें जो है ना अनुकूलता हुई, उसको सुख जैसा भाषा सुख रहता नहीं, इसमें अपन बुद्ध हो गए, पूरा मानव जाति इतने में मानव जाति बेवकूफ बनने की विधि नहीं है ना। उसी के साथ किताब, उसी के अनुसार सारे माने मीडिया प्रचार माध्यम दूरसंचार का उपयोग, ये सभी चीज इसी के साथ होते हैं, ठीक है। अभी अपन ये अनियंत्रित हो गए हैं इंद्रिय गोचर विधि से, ये सब उपलब्धि होने के बाद भी हम अनियंत्रित हो गए, है ना, अनियंत्रित हो गए, दुष्ट और हमारा जो अत्याचार बढ़ गए, मानव जाति का अत्याचार धरती के साथ बढ़ गए, ये दोनों चीज प्रमाणित होने के बाद पुनः पुनर्विचार अपन कर रहे हैं। क्या हुए? जाति के साथ अपराध होने पर मानव के साथ एक गवाही के साथ हमारे जो है ना सुखी सुख होने की मैंने अपेक्षा के साथ इसका ध्रुवीकरण कहाँ होगा, उसके आधार पर अपन अभी टोटल शोध है ना शोध कर रहे हैं, एक ऐसा ध्रुवीकरण होगा, ठीक बात है ना। उसमें कहाँ पहुंच गए अभी तक हम मानव का इतिहास में इंद्रिय गोचर वस्तुओं को पहचान चुके हैं और अब ज्ञान गोचर वस्तुएं पहचानने में नहीं आए हैं, उन वस्तुओं को हमको पहचानने की जरूरत है। यहाँ पहुंचे वो कैसा पहचानने में आता है? शब्द के द्वारा हम वस्तु का कल्पना होती है परिभाषा विधि से, वो अस्तित्व में वस्तु के रूप में हम पहचान लिया, हम ज्ञान गोचर हो, ये अध्ययन इसका नाम, ठीक हो गए। ये पूरा जितना आदमी पूछ सकता है सोच सकता है उसका उत्तर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, यंत्र साधन है, ये सब क्या है वर्णित हो गया, किताब सूचना है, यंत्र साधन, ठीक बात। इस विधि से अपन अच्छे तरह से अप्रोच ले सकते हैं और लोगों को ठीक से समझा भी पाते हैं, दोनों चीज निकलती है, ठीक है जी। ये अपने को समझ में आने से अपने में उत्साह जगना चाहिए, हम समझ सकते हैं और समझा सकते हैं, जी सकते हैं, पहले जीने दे सकते हैं, जी सकते हैं, हम जीने का प्रमाण जीने के जीने देने के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, ये चारों बात आना चाहिए। कम से कम अपने परिवार के लोगों को जीने देकर ही नहीं जीना होता है, नहीं होता है। वही कम से कम तो वो वहां से शुरू है, वही कंप्लीशन है, वही शुरुआत है, वही कंप्लीशन भी है, वही शुरुआत, वही शुरुआत भी वही है, परिवार में ही शुरुआत है। हमारा सिंसियरिटी का पहचान, हमारा ज्ञान का पहचान, विवेक का पहचान, विज्ञान का पहचान सर्वप्रथम परिवार में,
ठीक हो गए। उसी दिन से क्या हो गए, इसमें एक बहुत बड़ी भारी इम्पेटस आ गई, तो संबंधों के साथ जीना ये हमारा प्राथमिक आवश्यकता बन जाए। संबंधों के साथ जीने के विधि में परस्परता में विश्वास की ही एकमात्र एजेंसी है। वो क्या चीज, संबंधों को निर्वाह निरंतरता में विश्वास। क्या हो गया, संबंधों के निर्वाह निरंतरता में विश्वास हो गया। निरंतरता को बनाए रखना है ही निष्ठा है। निरंतरता को बनाए रखना ही निष्ठा है। उसमें क्या प्रकट हो गए, मूल्य प्रकट हो गए, वात्सल्य ममता ये सब है ना निकलने लगे, विश्वास ये सब स्पष्ट होने लगे। स्पष्ट होने लगे तो दूसरे संबंधों के साथ जूझने लग गए, किसी के साथ कृतज्ञता, किसी के साथ गौरव, किसी के साथ सम्मान, प्रेम, विश्वास, ये ढंग से सभी नव मूल्य जो है ना सभी मूल्यों सभी संबंधों में व्यक्त होने लग गए। व्यक्त होने लग गए तो एक ज्ञान गोचर उपलब्धि है। सर्वप्रथम इसका क्या क्या मतलब हुआ, समाधान। ये जो विश्वास पूर्वक संबंधों को निरंतरता दिया, विश्वास हो गया, विश्वास मूल्य के साथ हमारा क्या बन गया, विश्वास मूल्य प्रकट हो गए। विश्वास मूल्य प्रकट होने से न्याय हो गया परस्परता में। आपके साथ हमारा विश्वास निरंतरता हो गई, आपका आपका संबंध आपका हमारे साथ संबंधों का निरंतरता हो गई, विश्वास की निरंतरता हो गई, न्याय हो गए। हर जगह में विश्वास को मैंने पूरा का पूरा निष्ठापूर्वक निर्वाह करना योग्य हो जाता। इसीलिए संबंधों के साथ धोखा धड़ी नहीं होता। क्या हो? तो हम संबंध जहाँ पहचानते नहीं वहीं धोखाधड़ी होती है। सारा कुकर्म कहाँ है, मानव जिसको पहचानता नहीं वहीं सारा कुकर्म है। कितना सारा चीज पोल खुल गया, यहाँ से पोल खुल गया, ठीक है। तो अब आता है यहाँ भी संवाद होता है। हर जगह में हम पहचान के साथ जीना है, नई पहचान के साथ जीना है, उसको भी तय किया जाए। नई पहचान के साथ जीना है तब तो गोर्रा बना रहता है। क्या बना, मनमानी करने का गोर्रा बना के रखना है कि नहीं रखना है, न्यायपूर्वक जीने के लिए रास्ता बनाना है कि नहीं रहना। ऐसा लोहार का चोटा करके सिर पर आता है धीरे धीरे। बोलो साहब, इसमें समाज के लिए ऑफर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तब समाज नहीं कर सकता है ऐसा कह नहीं रहे, आप ही डिसाइड करो ना, बड़ा निर्णय ले। हर जगह में ही ऐसा था। तो इसको जो है ना, इसके पहले हमारे सती जी थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तो जब समाज का मुद्दा बनाता है सकारात्मक पक्षधर हो जाता है हर व्यक्ति। वहां IIT के स्टूडेंट से दिखाए स्पष्ट हो गए। करीब वो 500 विद्यार्थियों के साथ दखल किया है, 500 बच्चों में भी सहमति जो हुई है वो सकारात्मक पक्ष है। निष्ठा होने के लिए पुनः और समझ के बिना निष्ठा होता नहीं ना, वहीं आ गए। सामर्थ होने मात्र से हम विद्वान हो गए ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। अभी उसके आगे की बात अपन कर रहे हैं। सामर्थ्य के बाद समझदार होने की निष्ठा होना बन पाता। सकारात्मक पक्ष का हम सहमत होने के फलन में हम अध्ययन करने योग्य हुए।